हेलो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। हेलो दोस्तों, देखिए मेरी बेटी गाड़ी चला रही है, यानी कि बेटा है लेकिन बेटी कहता हूँ, ये गाड़ी चला रही है। अभी हम लोग शाहबाद जा रहे हैं, मेरे गाड़ी में बहुत सारे बच्चे भी हैं और मेरी बीवी भी है गाड़ी में। अभी हम शाहबाद जाएंगे, शाहबाद जा करके ये देखिए शाहबाद के रोड में सात नगर से निकला हूँ मैं। ये कौन सा रोड बोलते हैं इसको, परगी रोड, परगी रोड पे गाड़ी चला रहा हूँ। आगे चौरस्ता मिलेगा, वहाँ पे बहुत सारे पुलिस वाले रहेंगे वहाँ पे थोड़ा वीडियो में रोक करके आगे की तरफ बढ़ूँगा, पुलिस वाला देखेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये रहा चौरस्ता, मेरे दोस्त का दुकान है चौरस्ते के उस साइड में, होटल है, मैं वो होटल भी अगर होगा तो दिखाऊंगा। कुछ दिन पहले थोड़ा विवाद चल रहा था होटल का, हो सकता है कहीं निकाल दिया होटल। घुमाने तो ये घूम गया गाड़ी, टर्न नहीं करके आया। ये दुकान रहा, ये बोला ये होटल रहा। सलामु अलैकुम, और सब खैरियत से? ब्लॉग बना रहा हूँ, आए आओ। एक तो राजनिवास दे दे, राजनिवास एक दे एक। पैसा है, पैसा तो देखने का। देखिए अब्दुल रहमान भाई लेकर के आए हैं। साथ साथ में आगे पीछे दोनों हो सकता है, आगे पीछे जैसे वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना ये। हाँ। और मोबाइल में ये सिस्टम नहीं रहता। जान दो, तुम्हारे पास इतने 2 लाख। ठीक है, मैं उधर से आऊंगा पैसे दूंगा। चल आ जा बेटा, आए बेटा ऊपर आ जा बेटा, ले बेटा को ले ऊपर, फंसा दिया गियर में। ठीक है दोस्तों, अब मैं यहाँ से निकलता हूँ। ये मेरा बेटा है, मेरे बेटे को देख लीजिए अच्छे तरीके से, अल्लाह का शान है, बहुत खूबसूरत बेटा है मेरा। ये भी बच्चे लोग बहुत खूबसूरत है, देख लीजिए। ए बेटा नहीं मारने का बच्चे को। अब दोस्त के दुकान पर से मैं कुछ लिया हूँ, पैसे तो दिया नहीं हूँ अभी, उधर से रिटर्निंग में आऊँगा तो इंशाल्लाह उसका पैसा दे के जाऊँगा मैं। अब दिखा रहा हूँ आपको मैं, ये शाहबाद का रोड है, यहाँ से लगभग हमको 15 से 16 किलोमीटर अभी चलना पड़ेगा। 15-16 किलोमीटर के बाद है ना वो शाहबाद आ जाएगा। ये आ गया सरदार नगर। हेलो जी सर, सरदार नगर में सर, सरदार नगर से निकल गया हूँ मैं, पहुंच जाऊंगा 10 मिनट में। ओके सर, ठीक है सर। अभी मैं सरदार नगर क्रॉस किया हूँ,
पूरा इतना अच्छा ऐसा दिख रहा है, दिखेगा। पूरा गांव देहात की तरह ही दिखेगा, ये कब्रिस्तान है गैर मुस्लिमों का। नहीं बेटा गाड़ी नहीं चुनेगा, गाड़ी छोड़ दीजिए, आप गाड़ी छोड़ दीजिए बेटा। छुरा चलाना चाह रहा है अभी, इसका मेरे बच्चे का उम्र है अभी लगभग ना एक साल 15 दिन 10 दिन। अरे मेरा बच्चा भी हाय बोल रहा है, हाय बोल दो बेटा, हाय बोल दो, दोस्तों को हाय बोल दो, हाय हाय अंकल बोलो, सबको बोलो हाय अंकल, हाय दादा बोलो, बोलो जो दादा है सलाम अलैकुम, जो भैया है सलाम अलैकुम, चाचा को भी सलाम अलैकुम बोलो, बोलो बेटा। ये मेरा बेटा है, इंशाल्लाह इस बच्चे को हाफिज कुरान बनाना है, आलिम दीन बनाना है, और इसका तरबियत अभी से ही करना है मुझे, शुरुआत यहीं से करने का है। और मेरा कोशिश जैसा है कि ये हाफिज कुरान आलिम दीन बने, अल्लाह चाहे तो इंशाल्लाह ज़रूर बनेगा। अल्लाह बच्चे को तंदुरुस्ती दे, ज़हन दे, आफियत दे। और ये देखिए अब हम आगे की तरफ निकल चुके हैं, यहाँ पर से 2 किलोमीटर सिर्फ बच गया है शाहबाद, फिर वहाँ से 2 किलोमीटर शाहबाद से आगे हमें जाना है ढक्कन फैक्ट्री, जहाँ सिर्फ ढक्कनों का काम होता है, बोतल के ढक्कन का। ज़्यादा गाड़ी भगाने वाला लोग बेवकूफ़ होते हैं, इसलिए भगाने से क्या मतलब है, कितना भी ज़्यादा भगा गाड़ी को ज़्यादा भगाना नहीं चाहिए, भगाने में कोई ना कोई घटना हो सकता है। और अपने लिमिट में चलोगे तो लिमिट में अपना क्षमता होता है कंट्रोल का, मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। ये आ गया शाहबाद, शाहबाद मार्केट, यही मैं मदरसे में पढ़ाई किया करता था 2009 में, आगे मदरसा आएगा, अभी वीरान है वो मदरसा, पहले मदरसा हुआ करता था, आज वीरान है। ये पुलिस स्टेशन का गेट है, पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन उधर कर दिया, ये नहीं है आगे वाला गेट, तो ये पीएस का ही है। क्या बोल रही तू, ये शाहबाद का मार्केट है, ये प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, ये पीएस पुलिस स्टेशन है, ये शाहबाद है। ये मेरा बहुत पुराना जगह है, मैं 2009 में पढ़ाई किया करता था मदरसों में, मदरसा भी मैं हो सकता है तो देखा पाऊंगा तो दिखाऊंगा। ये मदरसा ये कोना पे आएगा, ये रहा मदरसा, यही मदरसा का गेट है, मस्जिद है, रोड पर से उतना नहीं दिखेगा, खाली गेट का गुंबद दिखा, अंदर मदरसा है, अभी वीरान है, अभी एक भी लोग मदरसे में नहीं रहते हैं, वीरान पड़ा हुआ है, मस्जिद है जो आबाद है, मदरसे की मस्जिद वो आबाद है, मदरसा वीरान पड़ा हुआ है। अब आ चुका है जहां मुझे जाने का है। अब ये शाहबाद का रोड, यहां पर से बस 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर बचा हुआ है जहाँ पे मुझे जाने का है, आप पहुँच नहीं वाला हूँ मैं। इसका नाम है मुंबई रोड, ये रोड सीधा मुंबई के लिए जाती है, मुंबई जाती है,
ये रोड है, अभी मैं मुंबई की रोड में चल रहा हूँ। अगर ये रोड सीधा पकड़ के चले जाऊँ तो मैं मुंबई तक पहुँच सकता हूँ, लेकिन अपने को मुंबई नहीं जाने का है, इसलिए मुंबई यहाँ से लगभग ना 500-600 किलोमीटर मुंबई पड़ेगा यहाँ पर से। बेंगलोर भी पड़ेगा 500 किलोमीटर, ये 500-600 किलोमीटर है ना, ये मुंबई पड़ जाएगा इस साइड। बहुत खूबसूरत नज़ारा है, बाहर का है, देखा जैसे अंदर से है। अब मुझे जहाँ जाना था मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ। मैं टर्निंग करूंगा यहाँ पर से, ये बस स्टॉप से देखते हैं, इधर हो गया। अब इधर से मैं सीधा चले जाऊंगा डामर रोड, यहाँ हैदराबाद में। ये सामने जो दिख रही है कंपनी, पोल्ट्री फार्म था पहले असल में, आज ये कंपनी बनी हुई है। यार मैं देखा था, ये रहा पुराना पुराना कंपनी। अरे बाबा, अरे बाबा, ये कंपनी है, ये लोग कंपनी में बैठे हुए हैं। ये सब देखिए, किधर उतरवाना है, उस साइड उतरवाएगा बोला है, उस साइड उतरवा देता हूँ। लगा देता हूँ गाड़ी यहीं पे। अब बेटी मेरी आ जाएगी मेरे पास। अरे बाप, अरे बाप, अरे ये उतर जाओ आप सब आदमी, मेरी बेटी उतर जाओ, मेरी बेटी उतर जाओ, बेटी उतर जाओ। सलाम अलैकुम, सलाम को सलाम, सलाम को सलाम, सलाम सलाम को। देखिए ये लोग है उतारने वाला, अब इधर से ये इसको लेके जाना है। ये सबसे बड़ा बॉस है यहाँ का, देखिए है, देखिए क्या है इसके अंदर में। नारियल का पेड़ है, नारियल खाने का है, लेकिन तोड़ने नहीं आ रहा है नारियल हमको। देखिए यहाँ की सुपरवाइजर, यहाँ की बॉस है, सेठानी है, अनीता खातून। ये देखिए यहाँ का बच्चे लोग, लेबर लोग है, कौन है, कोई नहीं है जी। बीडी नारियल का पेड़ है, एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, छह है, सात है, आठ है, नौ है, दस है, ग्यारह, बारह, पंद्रह, पंद्रह पेड़ है। देखिए नारियल फला हुआ है उसमें है, लेकिन चाह के भी खा नहीं सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं, इतना इतना ऊपर में है। अब मेरी गाड़ी खाली हो रही है, देखिए ये बुढ़ाऊ साहब है, तो वो है सुपरवाइजर। ये कंपनी में ये काम होता है, ये ढक्कन है ना, ये बोतल का ढक्कन, ये ढक्कन यहाँ पे है ना, ये ढक्कन छटैया होता है। ये रहा मशीन, ये मशीन में ढक्कन को छांटा जाता है, ये मशीन है, इसी मशीन पे ढक्कन छांटते हैं लोग। और ये थैला में भरा जाता है। अभी मेरी गाड़ी खाली होने के बाद मैं ये थैले को लगभग 5-6 थैला, 10 थैला लेके जाऊंगा। एक थैला का वज़न है
लगभग लगभग है ना 100 किलो 80 किलो यही रेंज का रहता है, किसी किसी का 250 किलो भी रहता है। ये देखिए ये पूरा फैक्ट्री है, देखिए ये लोग ढक्कन छांट रहे हैं, ब्लॉक बन रहा है, छटकिया हो रहा है ढक्कन। यही सब लेके जाने का है, भरा हुआ है इसके अंदर। अब मेरी गाड़ी खाली होगी इंशाल्लाह, जल्दी से जल्दी लेके यहाँ से भागूंगा मैं। मेरी गाड़ी में क्या लोड था देख लीजिए, ये सीट लोड है, लोहे की जाली है, ये जाली उतारना है, मोटर उतारना है, ये सब है लेबर सब। ये बुढ़ा हुआ यहाँ के बहुत पिंगल छाटने वाले बहुत ज्यादा, वो देखिए वो बेचारा हमारे वो हमारे भनोई गुलाब भाई थे वो ये मेरी बीवी है, वो मेरा भनोई है, और वो छोटा वाला, और वो मेरा बेटा है, छोटा वाला भनोई।